एंड इससे पहले आप लोग पूछे कि ये हेयर स्टाइल क्यों बनाया है मैंने सो so यार मेरे बाल बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहे थे सो आई थाट कि कुछ बस बना लो हेलो एवरीवान वंस अगे वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ ज्योति एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हाई माई नेम इज़ ज्योति एंड वेलकम टू माई चैनल आपको मेरे चैनल पर बेसिकली क्लोदिंग रिलेटेड हॉल्स मिल जाएंगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सो आज का ये हॉल एक अमेजॉन हॉल होने वाला है जिसमें मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स सिलेक्ट किए हैं कुछ पार्टी वेयर टाइप के हैं कुछ कैजुअल वेयर टाइप के हैं समर स्पेशल हैं कुछ पार्टीज़ के लिए स्पेशल हैं सो पूरा वीडियो देखिएगा आपको काफ़ी पसंद आने वाला है एंड अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको डायरेक्ट लिंक एंड माई हॉल स्टोर का भी लिंक मिल जाएगा तो वो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा एंड जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो में आगे दिखाते हैं वीडियो में क्या है एंड वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा सो so गाइज बढ़ते हैं आज के इस ह्यूज हॉल के फर्स्ट कुर्ता एंड प्लाजो की तरफ जिसका कलर वाइन कलर है एंड ये बड़ा ही अच्छा लग रहा था इनाक्ष ब्रांड से स्मॉल साइज़ में मैंने लिया है आप इसका प्रिंट देखो काफ़ी डिफरेंट है लॉन्ग कुर्ता ये है इस तरीके का ये पूरा है फ्रंट पूरा प्रिंटेड है पीछे इस तरीके का है प्लेन बट कपड़े में काफ़ी अच्छी शाइन है थ्री फोर्थ इसमें स्लीव मिलती है फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आ रही थी एंड ये थोड़ा सा राउंड नेक पे आपको ये वी कट आई डोंट नो एक्जैक्टली इस नेक को क्या बोलते हैं आप में से किसी को पता हो तो बताना ज़रूर तो इस तरीके का है स्लिटेड कुर्ता है शेयर नहीं है एंड मैंने बाय किया था स्मॉल साइज़ में स्मॉल साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी थी एंड इसके साथ इस तरीके का बॉटम वेयर मिलता है जिसका वाइन कलर ही है सेम फैब्रिक एंड सेम कलर वेस्ट बैंड बाइन पर आपको दोनों साइड इलास्टिक मिलती है डोरी दी गई है इसमें जिससे अगर आपको थोड़ा सा टाइट है या मतलब लूज़ करना है तो उसके लिए फिट हो जाए एंड पॉकेट दी गई है इसमें आपको दोनों साइड सो so, ये फॉर्मल वेयर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है लाइक like, अगर आप ऑफिस वगैरह जा रहे हैं एंड कंफर्टेबल टाइप का कुछ वेयर करना चाहते हैं तो उसमें ये पीस आप रख सकते हो बहुत ही प्यारा है और नीचे से थोड़ा सा नारो है काफ़ी अच्छा मतलब है फिटिंग वगैरह लूज़ भी रहेगा एंड नारो भी है नीचे से तो कंफर्टेबल बहुत रहने वाला है पूरा दिन आप आराम से इसे वेयर कर सकते हो घर पे कॉलेज में कोचिंग में कहीं पर भी वेयर करना चाहो तो पहन सकते हो सो so, मेरी तरफ से इसको टेन ऑन टेन है आप बाय कर लेना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड गाइस जो इस हॉल में नेक्स्ट है वो बिल्कुल पार्टी वेयर टाइप का पीस है इस तरीके का इसका कलर बहुत ही प्यारा था एंड वर्डी वोगल से मैंने बाय किया है स्मॉल साइज़ में इनका जो लेटेस्ट कलेक्शन आया है कुछ इसी टाइप का है एंड बड़ा ही डिफरेंट प्रिंट एंड पैटर्न डिज़ाइन आपको मिल जाएंगी तो आप ये ब्रांड भी चेक कर सकते हो इस तरीके का नेक पे आपको वर्क है जरी का सीक का पूरा वर्क मिलता है रोज़ गोल्ड कलर का है एंड ये जॉर्जेट फैब्रिक पर है थ्री फोर्थ इसमें स्लीव है प्रिंटेड है फ्लोरल प्रिंट है कपड़े के साथ का प्रिंट है एंड इसमें एम्ब्रॉयडरी भी मिलती है यार ये पेस्टल कलर्स है बहुत अच्छी लग रही थी मुझे जॉर्जेट फैब्रिक पे इस तरीके का ये आलिया कट पैटर्न पे है वे करने के बाद एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जरूर बता दूँ कि इसमें फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ रही थी अगर आपको फोटोज़ लेने का शौक़ है तो ये वाला ड्रेस बाय कर सकते हो फोटोजेनिक टाइप की है एंड आलिया कट पे है यहाँ पे चुन्नट मिलती है जिसकी वजह से अच्छे भले फ्लेयर्स हैं काफ़ी लॉन्ग कुर्ता ये है ये मेरी जो हाइट है वो फाइव फाइव है तो आप देख सकते हो कि काफ़ी लॉन्ग आ रहा है ये एंड यहाँ पर आपको ये जो जहाँ तक डिज़ाइन मिलेगी ना वहाँ तक आपको अंदर लाइनिंग मिलेगी बाकी नीचे लाइनिंग नहीं मिलती है बट पैंट्स दी गई है इसमें तो चलेगा कोई इशू नहीं है एंड गैज इसका जो पीछे का डिज़ाइन है ना आप देखो यहाँ पर मतलब ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन दिया गया है मैंने फर्स्ट टाइम देखा है लाइक यहाँ पर डिज़ाइन आते थे एंड ख़त्म सडनली सो so, सडनली नहीं मतलब ये थोड़ा सा लाइट होते होते ख़त्म सो so, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये तो ये वाला कलर भी बहुत अच्छा लगा मुझे डिज़ाइन भी अच्छा लगा एंड इस तरीके का बॉटम वेयर मिलता है इसमें वेस्ट बैंड पे दोनों साइड आपको इलास्टिक मिलती है आपको पॉकेट मिलती है एक साइड एंड नीचे से इस तरीके का नारो है ये एंड काफ़ी अच्छी शाइन है इसमें तो लाइक बिल्कुल पार्टी टाइप का ये लग रहा था इसमें दुपट्टा तो मिलता है शिफॉन का जिसमें चारों तरफ गोल्डन कलर से आपको गोटा पट्टी का वर्क मिलता है गले में सिंपली आपको ले करके छोड़ना होगा बिकॉज साइड में या तो ले सकते हो आप जैसा भी मन हो आपका क्योंकि इतना प्यारा सा सूट है ना एंड सिंपल सा तो दुपट्टा है तो दुपट्टा तो आप सिंपली साइड में ले लो बस बाकी सूट को फ्लॉन्ट कर, करो आराम से सो कोई इशू नहीं है आ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वो आप चेक कर लेना सभी का एंड बिल्कुल यूनिक पैटर्न का जो एक कुर्ता और प्लाजो आप देखोगे ना मतलब तो देखना चाहोगे तो मैं आपको साथ शेयर करती हूँ ये इनाक्षि ब्रांड से स्मॉल साइज में मैंने लिया है इसका पैटर्न बहुत ही अलग था फ्रंट इस टाइप का है एक तो सिल्वर एंड पिंक एंड लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा खादी कॉटन इसका फैब्रिक है एंड पीछे से इस तरीके का है आप देखो मतलब यहाँ पे बटन्स हैं और ये लेयर टाइप का लग रहा है अंदर पिंक कलर का आपको इसमें कपड़ा मिलता है तो पीछे मतलब मैंने इसीलिए इसमें जूड़ा बनाया था तो जिससे आपको पूरा पीछे का अच्छे से डिज़ाइन दिखे एंड थ्री फोर्थ इसमें स्लीव है स्लीव्स के एंड में ये पट्टी लगाई गई है मतलब पट्टी नहीं काफ़ी अच्छी चौड़ी पट्टी है ये बेसिकली तो मुझे बैक साइड इसका बहुत अच्छा लगा एंड ये ए लाइन पर है सो so लाइक like आप का अगर वेस्ट एरिया ज़्यादा है ए लाइन कुर्ता आपको पसंद है तो ये वाला पीस आप ट्राई कर सकते हो इनाक्ष ब्रांड के जो पीसेज हैं उनका डिज़ाइंस बड़े डिफरेंट डिफरेंट हैं तो आप ये ट्राई करना इसके नीचे ये आ, रानी पिंक कलर का आपको ये बॉटम वेयर मिलता है ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ट्रस्ट ट्रस्मी बहुत सुंदर लगता है ये कलर हर किसी पर तो आप ये ट्राई कर सकते हो इसमें वेस्ट बैंड पे इलास्टिक मिलती है दोनों साइड आगे डोरी मिलती है एंड ये नीचे से थोड़ा नारो है एंड इसमें पॉकेट की बात करें तो पॉकेट नहीं है बिकॉज ये ए लाइन कुर्ता है एंड इसमें साइड में कोई स्लिट नहीं है तो ऑफ़कोर्स आप पॉकेट में वैसे भी कुछ रख नहीं पाओगे तो पॉकेट देने की नीड भी नहीं थी नेक्स्ट वाला पीस भी मैंने वर्डी वोगल ब्रांड से लिया था एंड ये क्योंकि उनका पैटर्न थोड़ा सा मतलब बड़ा लेटेस्ट आया है मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख गए तो मैंने बाय करा है एंड ये रहा इस तरीके से ग्रीन कलर में किसी का अगर मेहंदी का फंक्शन है तो उसमें आप ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ग्रीन पहन के जाना चाहते हो तो पहन सकते हो ये मैंने स्मॉल साइज़ में लिया है ये भी आलिया कट पैटर्न पर है आप देखो फ्रंट में ना इसमें काफ़ी प्यारा सा वर्क किया गया है ज़री का गोल्डन कलर से एंड इसमें सीक का भी वर्क है और यहाँ पर चन्नट मिलती है एंड इसमें इतने फ्लेयर्स हैं और ये प्रिंट बड़े डिफरेंट और बहुत प्यारे लग रहे हैं वेयर करने के बाद लुक बहुत क्लासी आ रहा है इसमें एंड पीछे इस तरीके का है आलिया कट पर है एंड ऊपर साइड पे आपको लाइनिंग मिलती है जिसकी वजह से ऊपर वाला एरिया बिल्कुल भी शेयर नहीं है थ्री फोर्थ इसमें स्लीव मिलती है नीचे इसमें ब्राउन कलर का बॉटम वेयर मिलता है इस तरीके से इसमें भी काफ़ी अच्छी शाइन है वीज बैंड पे दोनों साइड आपको इलास्टिक मिलती है एंड आपको इसमें एक साइड पॉकेट मिलती है नीचे से नैरो है फिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी थी मतलब आप पूरा दिन आराम से वेयर कर सकते हो एंड मतलब कुछ पैंट्स होते हैं ना जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं वॉक करने में बस लुक के लिए अच्छे होते हैं नहीं ऐसा नहीं है इसमें कंफर्टेबल बहुत है लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है लेंथ भी बहुत अच्छी दी गई है लाइक like मेरी फाइव फाइव हाइट है तो मैंने काफ़ी ऊपर से वेयर किया है तो अगर आपकी फाइव एट तक भी हाइट होगी तो अच्छी लेंथ का ये पैंट्स मिलते हैं इसमें आपको शिफॉन का दुपट्टा मिल जाएगा जिसके चारों तरफ आपको गोटापट्टी का वर्क मिलेगा गोल्डन कलर से एंड लंबाई चौड़ाई इस तरीके से आप ट्राई ऑन में देख पा रहे हो अच्छे से सिंपली क्योंकि ये कुर्ते एंड पैंट्स मतलब दुपट्टा एंड पैंट सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुर्ता फ्लॉन्ट करेंगे आप तभी तो अच्छा लगेगा क्योंकि लुक वाइज बहुत अच्छा है जॉर्ज फैब्रिक का है कुर्ता एंड शिफॉन का दोपट्टा है तो ट्राई ऑन वगैरह मैंने शेयर कर दिया है वो आप देख लेना अगर लेना चाहते हो तो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड बहुत सारे रील्स वगैरह आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी इसकी अनबॉक्सिंग एंड ट्राई ऑन वगैरह की रील्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वो आप आई मीन इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वो आप चेक कर लेना एंड आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो नेक्स्ट वाला पीस जो है ना वो ऑलरेडी मैंने वे किया हुआ है टू पीस का ये सेट है थ्री फोर्थ इसमें स्लीव मिलती है और इसमें बहुत ही प्यारा ऑफ वाइट कलर से लेस का वर्क किया गया है कॉटन फैब्रिक पर यह है थ्री फोर्थ स्लीव के एंड में आप देख सकते हो ना कितना प्यारा लेस का वर्क किया गया है फ्लोरल प्रिंट पर है एंड यहाँ पर आपको दामन पर भी वही वर्क मिलता है बहुत ज्यादा लॉन्ग कुर्ता नहीं

ग्रीन ब्राउन एंड येलो टाइप का एंड स्लीवलेस है ये स्मॉल साइज़ में मैंने लिया है फिटिंग बहुत अच्छी है लॉन्ग कुर्ता है वेयर करने के, के बाद ना मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा टू बी वेरी यू हनिस बट वेयर करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था स्लेटेड ये कुर्ता है आगे पीछे दोनों साइड प्रिंट है कपड़े के साथ का प्रिंट है थोड़ा सा रेऑन ब्लेंड इसका फैब्रिक है लॉन्ग कुर्ता है एंड इसमें आपको एडिशनल स्लीव का कपड़ा मिलता है इस तरीके का सो so, मतलब आप स्लीव बनवा सकते हो आप समर्स में ऐसी स्लीव्स अच्छी लगती है सो so, ये कपड़ा दिया गया है तो आप स्लीव बनवा सकते हो अगर कट स्लीव पहनना चाहते हो तो वैसे भी पहन सकते हो क्योंकि स्मार्ट पीस लग रहा था बट सब कोई कंफर्टेबल नहीं होता है उसमें तो ये आपकी चॉइस है आप जैसे भी कराना चाहो एंड वेस्ट आई I मीन mean, इसमें बॉटम वेयर इस तरीके का मिलता है जिसके बीस बैंड पे दोनों साइड इलास्टिक मिलती है आगे ये डोरी दी गई है पॉकेट की बात करें सो या आपको दोनों साइड पॉकेट मिलती है इसमें एंड रेऑन ब्लेंड इसका फैब्रिक है सेम वही फैब्रिक सेम वही डिज़ाइन आपको बॉटम वेयर पर भी मिलती है इस तरीके का प्लाजो है ये वेयर करने के बाद तो मुझे अच्छा लगा बड़ा मैंने सोचा नहीं था ये प्रिंट अच्छा लगेगा मेरे ऊपर कुछ खास लगेगा बट आ, या अच्छा लग रहा था वेयर करने के बाद कुछ कपड़े होते हैं ना जो वेयर करने के बाद निखर करके आते हैं उस टाइप का है फिटिंग वगैरह अच्छी है इसकी तो आप देख लेना एंड जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आप एज अ ऑफिस वेयर भी पहन सकते हो कैजुअली भी और पार्टी वेयर मतलब छोटे मोटे फंक्शन में भी वेयर कर सकते हो इस तरीके का नेक्स्ट वाला पीस है नाक्षनी ब्रांड से ही मैंने इसे भी लिया है तो ये वी नेक है एंड पीछे आप देखो इस तरीके का आपको बैक पे जो नेक मिलेगा इस तरीके का है डोरी दी गई है इसमें सो so, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था एंड इसमें फुल स्लीव मिलती है प्रिंट है एंड इस तरीके का है ये है इसका पिंक कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लॉन्ग कुर्ता है स्लिटेड कुर्ता है शेयर नहीं है स्मॉल साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी फ़िटिंग काफ़ी अच्छी है एंड इस तरीके का ये बॉटम वेयर आपको मिलता है वेस्ट बैंड पे इलास्टिक एंड आपको डोरी भी मिलती है एंड पॉकेट भी आपको मिलती है दोनों साइड एंड डेप्थ भी इसकी काफ़ी अच्छी है शेयर नहीं है बॉटम वेयर नीचे से नैरो है सो so ओवरऑल इसका लुक भी बहुत ही प्यारा आ रहा था अगर आप चाहो तो वाइट कलर का कोई भी दुपट्टा इस पर मैच कर सकते हो पिंक कलर मतलब ये मैचिंग का पिंक कलर मैच कर सकते हो या स्काई ब्लू मैच करोगे ना तो वो भी बहुत अच्छा लगने वाला है बट मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था कुर्ता एंड पैंट्स इसमें इसका जो बैक साइड का नेक है उसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी है सो so, मतलब ओवरऑल फिटिंग वाइज बहुत अच्छा है सो so, क्वालिटी इन सारे प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी है वो आप चेक कर लेना सभी का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना या पिन कॉमेंट में मैं पिन कर दूंगे वो आप चेक कर लेना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और गाइज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जैसे मैंने बोला वो भी फॉलो कर सकते हो उसके हैंडली में ज्योति राज ऑफिशियल वहाँ पर भी बहुत सारे आपको रील्स एंड बहुत सारे बहुत कुछ कंटेंट देखने को वहाँ पर भी मिल जाएगा डिफरेंट टाइप का तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो इसके हैंडलीम ज्योति राज ऑफिशियल सो दैट से टूडेज़ वीडियो गाइज आई रियली होप आपको ये ह्यूज एंड प्यारा सा कलेक्शन पसंद आया होगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी बात भूलिएगा एंड मैं मिलती हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे अफोर्डेबल एंड प्यारे प्यारे से कलेक्शन के साथ तब तक के लिए बाई